मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पौधारोपण सबसे सुखद कार्य है। हम सबके थोड़े से प्रयास से धरती हरी भरी और समृद्ध होगी। हम अंकुर अभियान चला रहे हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में ये अभियान विराट जन आंदोलन बनता जा रहा है। अभी तक इस अभियान में 15,89,340 लोगों ने 37,10,192 पौधे लगाए हैं। अंकुर अभियान बनाया, अंकुर अभियान चलाया, उसमें यही कहा कि भाई जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगाओ और पेड़ अपलोड करो। कई बार अपन लगा के भूल जाते हैं, आप पेड़ अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे, लगाते समय करो, 30 दिन के बाद करो, 75 दिन के बाद करो। तो ऐसे 37,10,192 पेड़ लगाए गए जिनको लगा के अपलोड किया गया। 15,89,340 लोगों ने, ये अपलोड वाले हैं, कई लोग अपलोड नहीं करते हैं। आज यहां भी जो आपने पेड़ लगाए आपको QR कोड दिया गया है, ये मेरा QR कोड है, इससे आप पता कर सकेंगे कि आपके पेड़ की स्थिति क्या है। तो ये लगाना नहीं, बचाना भी है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर यह अभियान अब विराट जन आंदोलन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए समन्वय समिति का गठन कर दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वागत कमेटी का मुखिया बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। महाशिवरात्रि पर्व पर लगभग 15 लाख दर्शनार्थियों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर में बाबा ने भक्तों को 1.25 क्विंटल फूलों के सेहरे के रूप में दर्शन दिया, जिसके बाद पंडित पुजारी द्वारा बाबा महाकाल को दिन में होने वाली भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि के दूसरे दिन में आज 12 बजे भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम भूपेश सरकार कर रही है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, रामवन गमन पर्यटन क्षेत्र में कोरिया से लेकर सुकमा तक 2,200 किलोमीटर सड़क बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण का काम भी सरकार कर रही है और जहां जहां भगवान राम माता जानकी और लखन लाल जी रुके हैं, उन सभी जगहों को चिन्हित करके विकसित करने का काम भूपेश सरकार कर रही है। सरकार कौशल्य महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। नामीबिया के बाद अब साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट किया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि इससे भारत की वन्यजीव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बने कुनो नेशनल पार्क में इन 12 चीतों को छोड़ा गया। इससे पहले सितंबर 2022 में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों के एक जत्थे को लाया गया था और अब साउथ अफ्रीका से भी चीतों को लाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु अलग अलग भावनाएं और मनोकामनाएं लेकर आते हैं। भक्त भगवान के आंगन में शीश निवाने के साथ साथ अपनी कारीगरी के नमूने भी दिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर इंदौर से आए 12 सदस्यीय दल ने महाकाल मंदिर परिसर में एक विशाल रंगोली बनाई। इस विशाल रंगोली के जरिए बाबा महाकाल की शिव बारात को तस्वीर के रूप में उकेरा गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विकास यात्रा जारी है। अपनी विकास यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए नल जल योजना की सफलता को बताया गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज सरकार के पिछले 3 सालों के विकास को खूब गुणगान किया। प्रदेशवासियों को विकास की सौगात और जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है और काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने
अपने स्वयं के जिले या प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया काफी उत्साहजनक बात है। दो तीन चरणों में पहले जो 83 लाख के लगभग जो आए थे मांग पत्र, और अभी जो गांव के अंदर जाजा के सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण जिस तरह से सीधा जनता को हितग्राही को लाभ दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उससे वातावरण काफी उत्साहजनक। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार दोपहर लगभग 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने भूकंप की पुष्टि करते हुए कहा, दिन में 12 और 1 बजे के बीच प्रदेश के धार, बड़वानी, अलीराजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 3.0 मापी गई है। इस भूकंप का हाइपर सेंटर 10 किलोमीटर की गहराई पर था और इस भूकंप का केंद्र इंदौर से 151 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। मध्य प्रदेश के शहरों में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। दिन में हल्की सी तपिश है, वहीं रात में ठंडक जारी है। रविवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, ये सामान्य रहा। पिछले 24 घंटों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आई ठंडी हवा के कारण तापमान का इजाफा नहीं हो सका। उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पहुंचने की संभावना है, इसी कारण 4-5 दिन बाद रात के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। Thank you.